Hello everyone, welcome to Avivs Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 10, subject English, unit 1, reading C, a great moment for all those children. In this video lecture, we will discuss about what determiners are and how many parts of determiners. Determiners kya hai aur determiners ke kaun kaun se parts hote hain. Determiners jise hindi mein hum nirdharak kehte hain. Determiners किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या फिर नाउन फ्रेज से ठीक पहले यूज़ किए जाते हैं एंड इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी मात्रा की बात हो रही है. जैसे दिस बॉय, यानी ये जो लड़का है वो एक नाउन है. नाउन से ठीक पहले ये दिस आया हुआ है, तो ये जो दिस है वो बता रहा है कि किसकी बात हो रही है, इस लड़के की बात हो रही है, यानी दिस बॉय. यहाँ पे दैट बॉय, यहाँ पे जो दैट है वो बता रहा है कि कौन से लड़के की बात हो रही है, उस लड़के की बात हो रही है, दैट बॉय. वैसे ही माई फ्रेंड, यहाँ पे जो माई है वो बता रहा है किसकी बात हो रही है, मेरे दोस्त की, माई फ्रेंड की. वैसे ही देयर वर्क, किसका काम, उनका काम, देयर वर्क. सो इस तरह से दिस, दैट, माई, देयर, ये सब क्या है, डिटरमिनर्स है. और इस पोर्शन में क्या बताया जा रहा है, किसकी बात हो रही है इस सेंस में. वैसे ही मेनी फ्लावर्स, यानी कि जो मेनी है वो बता रहा है मेनी, यानी कई फ्लावर्स, यानी मात्रा को बताया जा रहा है. वैसे ही एनी क्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न. फोर बुक्स, कितनी बुक्स, फोर बुक्स, यानी चार पुस्तकें. सम स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, यानी कुछ लड़के, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी. सो इस तरह से ये वाला जो पार्ट होगा वो बता रहा है मात्रा को, यानी कि ये जो पोर्शन होगा वो बता रहा है किसकी बात हो रही है और ये वाला जो पोर्शन होगा वो कितनी बात हो रही है, यानी कितनी मात्रा की बात हो रही है. अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स. हैव यू सीन माय कीज, क्या आपने मेरी चाबियां देखी हैं, किसकी चाबियां, मेरी चाबियां. लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, यहाँ पे लिटिल नॉलेज यानी कि थोड़ा ज्ञान. देयर बस इज़ लेट, किसकी बस, देयर बस, उनकी बस. वैसे ही देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, यहाँ पे कहा जा रहा है अ फ्यू स्टूडेंट्स, यानी कुछ स्टूडेंट्स क्लास में है आज. वैसे ही सम बुक्स आर माइन, यानी कुछ पुस्तकें मेरी है. सो इस तरह से माई, लिटिल, देयर, अ फ्यू, सम, ये सब क्या है, डिटरमिनर्स है. एंड अब हम देखते हैं डिटरमिनर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. डिटरमिनर्स के कुल फोर टाइप्स होते हैं, जिसमें आ जाते हैं आर्टिकल्स, जिसमें ए, एन एंड द है. वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स यानी संकेत बोधक, जिसमें आ जाते हैं दिस, दैट, दिस एंड दोज. वैसे ही पजेसिव्स, पजेसिव्स में आ जाते हैं अधिकार बोधक, जिसमें आ जाते हैं माई, योर, हीज, हर, इट्स, ऑन, योर एंड देयर. वैसे क्वांटिफायर्स यानी मात्रा बोधक, जिसमें आ जाते हैं सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, ईच, एवरी, बोथ, ऑल, इनफ, हाफ, होल एंड लेस. इस तरह से अब हम देखते हैं आर्टिकल्स के बारे में. आर्टिकल ए, आर्टिकल ए का यूज़ कंसोनेंट प्रोनंसिएशन यानी व्यंजन उच्चारण से पहले किया जाता है, जिसमें क, ख, ग से लेकर के ज तक के वर्ण आते हैं. आर्टिकल ए का यूज़ हम किसी एक काउंटेबल नाउन यानी किसी एक वस्तु के पहले, जिसे हम गिन सकते हैं, उससे पहले किया जाता है. सो इस तरह से हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का यूज़, जैसे अ पेंसिल, अ वन रुपी नोट, अ यूनिवर्सिटी, अ कैप, अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, अ यूरोपियन. इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेंसिल है प, व, यू, य, क, ब एंड य, ये प्रोनंसिएशन व्यंजन प्रोनंसिएशन है. अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ एन, आर्टिकल एन का यूज़ कब करते हैं. आर्टिकल एन का यूज़ वॉवल प्रोनंसिएशन यानी स्वर उच्चारण से पहले किया जाता है, जिसमें अ, आ से लेकर के अह तक के वर्ण आते हैं. आर्टिकल एन का यूज़ भी एक वस्तु से पहले किया जाता है, यानी जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आवर, एन एमएलए, एन एक्सरे प्लांट. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आ
यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे आ, यहाँ पे ए एंड यहाँ पे ए, इस तरह से स्वर प्रोनंसिएशन आए हुए हैं। अब हम देखते हैं द का यूज़। द का यूज़ हम कब कहते हैं? द का यूज़ किसी विशेष यानी स्पेशल, प्रसिद्ध, यूनिक वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान के साथ किया जाता है। जैसे यहाँ पे है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द अर्थ, द रामायणा, द ताजमहल, द सन, द बे ऑफ बंगाल। इस तरह से हम द का यूज़ कर सकते हैं। द का एक और यूज़ है, जैसे कोई वर्ड एक ही पैराग्राफ में बार बार रिपीट होता है तब हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ अ पेन, यहाँ पे जो अ आया है वही पेन से पहले यहाँ पे द आया है। द पेन वॉज गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड, क्योंकि ये जो पेन है, पेन जो वर्ड है वो डबल रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने द यूज़ किया है। सो इस तरह से हमने आर्टिकल ए इन द के बारे में जाना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेटिव्स। डेमोंस्ट्रेटिव्स के अंतर्गत आते हैं दिस, दैट, दिस एंड दोज। दिस का यूज़ हम पास्ट की किसी एक वस्तु के लिए करते हैं, जैसे दिस बुक यानी यह पुस्तक। दैट का यूज़ हम दूर की एक वस्तु के लिए करते हैं, जैसे वह कार यानी दैट कार। वैसे ही यदि कोई वस्तु पास में है और वो एक से ज़्यादा है तब हम दिस के बजाय दिस का यूज़ करते हैं, जैसे दिस बुक्स यानी ये पुस्तकें। वैसे ही अगर दूर की वस्तु एक से ज़्यादा है तब हम दैट की बजाय दोज का यूज़ करते हैं, जैसे वे कारें यानी दोज कार्स। नेक्स्ट हम देखेंगे पजेसिव्स। पजेसिव्स यानी अधिकार बोधक, जिसमें माई, योर, हीज, हर, इट्स, ऑन, योर एंड देयर आ जाते हैं। जैसे माई हाउस यानी मेरा घर, योर बुक यानी तुम्हारी पुस्तक, हीज मदर यानी उनकी माँ, देयर आंसर यानी उनके उत्तर। सो इस तरह से हम पजेसिव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स यानी मात्रा बोधक, जिसमें सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मच, मेनी, ईच, एवरी, बोथ, ऑल, इनफ, हाफ, होल एंड लेस आते हैं। जैसे सम बुक्स यानी कुछ पुस्तकें, एनी बॉय यानी कोई लड़का, फ्यू बुक्स यानी कुछ बुक्स, लिटिल मनी यानी कुछ पैसा, मच मनी यानी थोड़ा अधिक मनी, बोथ गर्ल्स यानी दोनों लड़कियां, होल प्लेयर्स यानी सारे प्लेयर्स। सो इस तरह से हम, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट डिटरमिनर्स आर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।